को छोड़ महासुर का संघार करना। दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री का मूवी बैक टू बैक धमाल मचा रहा है पूरा दुनिया में। बॉलीवुड को भी लगातार पीछे छोड़ रही है। फिलहाल जो मूवी धमाल मचा रहा है वो साउथ इंडस्ट्री का नंबर वन डायरेक्टर SS राजामौली की मोस्ट एवरेट फिल्म RRR ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। रिलीज के पहले दिन ही RRR ने 220 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इंडिया में 156 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके राजामौली की बाहुबली 2, मार्वल का एवेंजर और DC की बैटमैन को धूल चटा दी है। यही नहीं, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट में बनने वाले इस फिल्म ने अमेरिका में भी 22 करोड़ रुपए कमाकर सभी भारतीय फिल्म को उस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है। यानी कि देश हो या विदेश, हर जगह से RRR का ही डंका बज रहा है। जिस तरह से ये ओपन हुई है, कोई ऐसा लगा जा रहा है कि RRR आगे चलकर 1000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक एक्टर को भी छू सकती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में? ये फिल्म रियल में 1000 करोड़ रुपए कमाई कर सकते या नहीं? आपका विचार हमें कमेंट पर जरूर बताइए। दोस्तों, एक काल्पनिक कहानी पर फिल्म बनाना शायद आसान हो सकती है, लेकिन अगर सच्ची घटना पर फिल्म बनाना हो तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर पीछे हट जाती है, और खासकर वो छास जो 32 सालों से दबाया गया है। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल को पर्दा पे उतार कर जो जज्बा दिखाया वो तारीफ के काबिल है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में पूरे 4 साल लगे। 5000 घंटे की रिसर्च किए गए, 3 दशक पुराने 15000 पेज की डॉक्यूमेंट को इकट्ठा किया गया, तब जाकर ये फिल्म बनी। विवेक अग्निहोत्री बताते हैं कि उनकी पत्नी पल्लवी जोशी और वो खुद आस्थित कश्मीरी पंडितों से मिलने के लिए दुनिया भर के कई देशों और भारत के कई शहरों में गए थे, और उन्होंने लगभग 700 से ज्यादा पीड़ित कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू लिया था, और कोई जगह तो पीड़ितों से बात करते करते उन दोनों के आंखों से आंसू आ गए थे। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि कड़वा सच है, जिसे बताने के लिए विवेक और उनकी पत्नी ने अपना सब कुछ लगा दिया है। सलाम है उनकी हौसले पर। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं द कश्मीर फाइल के बारे में? आपका विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें आप क्या गिराएंगे? छोटे मोटे मुश्किलें हमने तो चलना भी ठोकरे से सीखा है। दोस्तों, इसी तरह का जज्बा है उत्तराखंड का प्रदीप मेहरा का, जो सिर्फ 19 साल की है। दरअसल प्रदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फिल्म मेकर विनोद कापरी ने बनाया है। इस वीडियो में प्रदीप ने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ है और वो सड़क पे तेजी से दौड़ रहा है। रात के 12 बजे प्रदीप को इस तरह से दौड़ते देख विनोद कापरी ने उसको रिप देने का ऑफर दिया, लेकिन प्रदीप ने मुस्कुराते हुए इसे इनकार कर दिया और कहा है कि वो दौड़ते हुए अपने घर जाएगी। और विनोद ने जब ये पूछा कि ऐसा क्यों, उसके बाद प्रदीप ने जो बोला वो सुनकर आपका रूम दे खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, तो दौड़ क्यों रहे अभी? आर्मी के लिए। बाप, प्रदीप ने बोला वो सेना में भर्ती होना चाहता है, पर काम की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलती है, जिस वजह से वो ड्यूटी खत्म करके घर इसी तरह से जाती है। इसे उसकी दौड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। दोस्तों, यही नहीं, प्रदीप की माँ का इलाज भी चल रहा है, फिर भी इसने अपने सपने और जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहा है। दिल से नमन है ऐसे हौसले को। दोस्तों, देश के इस लड़के के लिए एक लाइक तो बनता है, और इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो में। धन्यवाद।